हेलो माय सेल्फ देवेंद्र सिंह सर, डिस्कस करेंगे आज इरिटेटिंग एक्सेप्शन नंबर 5, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे प्रोक्साइड इफेक्ट की। और प्रोक्साइड इफेक्ट केवल और केवल एचबीआर वाले केस में ऑब्जर्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, एससीएल और एचबीआई के केस में ये एंटी मार्कोनिकल रूल यानी प्रोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण समझने के लिए हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म के अंदर यदि आप देखें तो इसके अंदर इनिशिएशन स्टेप तो कॉमन होता है, टर्मिनेशन भी कॉमन है, सिर्फ प्रोपेगेशन में फर्क है। और वहां भी फर्क ये होता है कि इसके दोनों के दोनों प्रोपेगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं और इनके दोनों में से एक स्टेप जो है एंडोथर्मिक है, यहां भी ये एंडोथर्मिक, जिससे कि ये प्रोपेगेशन स्टेप कंप्लीट नहीं हो पाते और रिएक्शन आगे की ओर नहीं बढ़ पाती। इसमें रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन प्रोक्साइड इफेक्ट यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म परफॉर्म नहीं करते और इन्हें मजबूरी तौर पर इनको हेटरोडिकल एडिशन प्रोडक्ट बनाना पड़ता है और मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार आंसर इसका आता है, ठीक है। और यदि ये वीडियो की ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी, फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।